वेलकम टू आवर न्यू वीडियो गाइस। दिस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक न्यू हाउस जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम होगा, तो मॉडर्न भी होगा और कुछ यूनिक भी होगा। तो बना रहे हैं हम, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होने वाला है हम लोग का। इधर से यहाँ पर तीन ब्लॉक हम डी उधर रहेंगे, तो थ्री इधर भी हम तीन ब्लॉक करेंगे और सेंटर में एक और ब्लॉक ला लेंगे। ये वाला गलत हो गया, इसको पहले यहाँ पर हम दूसरा ब्लॉक लगाते हैं। तो कुछ इस तरह होगा हमारा, यहाँ पर सेंटर में वाला ब्लॉक कुछ इस तरह। अब यहाँ से हम फाइव ब्लॉक आगे की ओर जाएंगे, 1 2 3 4 5। इसके बाद हम यहाँ से फिर ऐसे इसको लगा लेंगे, वाला गलत हो गया, इसको हटाते हैं। इधर से फिर हमको यहाँ पर तीन ब्लॉक करना है कुछ इस तरह, और यहाँ पर हमको दूसरा ब्लॉक यूज करना है कोई सा भी। तो हम यहाँ पर ये वाले ब्लॉक यूज कर रहे हैं, फिर यहाँ पर तीन ब्लॉक हमको हटाना है। ये वाला गलत लग गया, इसको बाद में हम हटा लेंगे, फिर कर देंगे। पहले थ्री ब्लॉक इधर करते हैं, दो ये तीन हो गए। इसके बाद यहाँ पर पहले लगाते हैं ब्रिक ब्लॉक, और इधर हमको तीन ब्लॉक ऊपर की साइड फिर से आना है। फिर इधर से हमको फोर ब्लॉक इधर करना है नीचे की ओर, ये फोर ब्लॉक हो चुका है। फिर इधर सामने की ओर हमको जाना है तीन ब्लॉक, हो गया है तीन ब्लॉक कुछ इस तरह दिखेगा। तो हमको इसके अंदर फिल करना है पूरा ब्रिक ब्लॉक, तो हमको जल्दी से इसको हटा लेते हैं डर्ट को। तो इसके बाद हम ब्रिक ब्लॉक पूरा फिल कर देंगे जल्दी से, हम ये सब करेंगे क्योंकि बहुत ही यूनिक होने वाला है अपना हाउस। तो यहाँ पर पूरा हमको ब्रिक ब्लॉक लगाना है, ब्रिक ब्लॉक जो कि नीचे के लिए हमको फर्श वाले को ज़मीन में अच्छा लगेगा। ये तो हो चुका है वाला। उसके बाद हमको इधर आना है और यहाँ पर यूज करना है स्ट्रिप्ड ब्रिक ब्रिज वुड, जो कि बहुत ज़्यादा ऑसम लगेगा। नहीं तो दूसरा भी यूज कर सकते हो आप लोग। तो पहले इसको हम तीन ब्लॉक ऊपर ले जाएंगे दोनों साइड को, वहाँ पर ये वाला गलत लगा, बीच को हटा देंगे। पहले यहाँ पर थ्री ब्लॉक ऊपर ले जाना है और यहाँ पर हम डोर लगाएंगे, तो बाद में लगा लेंगे डोर। फिर उसके बाद हमको ये वाला साइड छोड़ देना है। अब हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, इधर भी हमको तीन ब्लॉक अप करना पड़ेगा। तो पहले लगाएंगे हम तीन ब्लॉक, यहाँ को हमको छोड़ देना है। थ्री ब्लॉक पहले गिन लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना है हमको। तो वाइट वाला यूज कर लेना कोई सी ब्लॉक, जिससे हम ये वाला स्टोन ब्रिक ब्लॉक यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर तीन ब्लॉक पर लेके आना है, तो ये वो थ्री ब्लॉक अभी होगा। ये गलत लग गया, तो इसको रिमूव करते हैं। पहले थ्री ब्लॉक हो चुका है यहाँ पर वाला, इसको हटाते हैं। फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो थ्री ब्लॉक यहाँ पर भी हो गए। अब इधर भी हमको थ्री ब्लॉक ही लगाना है, तो लगाते हैं थ्री ब्लॉक फ्री वाला ब्लॉक को। मतलब यार इधर ट्रोली कर रहे हैं ना, पहले देख रहे हैं अच्छे से, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है हमको। यहाँ पर हमको फोर ब्लॉक अप करना है, तो यहाँ पर हम दूसरा ब्लॉक यूज करेंगे थोड़ा डिफरेंस लगने के लिए, तो वाइट वाला ठीक रहेगा। तो हमको हमको ऊपर की ओर फोर ब्लॉक ले जाना है, तो जल्दी से हम इसको कर लेते हैं पहले। तो इसको करने के बाद हम थोड़ा दूसरा प्रोसेस उठाएंगे, यहाँ पर हमको लगाना है। उसके बाद यहाँ से जस्ट इधर करेंगे और यहाँ पर दो ब्लॉक छोड़ के इसको फिल कर देंगे, इसको भी फोर ब्लॉक अप करेंगे। तो दो ब्लॉक तीन ब्लॉक हो चुका है, तो ये चार ब्लॉक हो गया। तो इसको भी पूरा चार ब्लॉक कर लेंगे। उसके बाद हमको अब यहाँ का प्रोसेस स्टार्ट होता है, यहाँ पर लगाएंगे हम ब्लॉक, एक एक ब्लॉक ऊपर भी एक ब्लॉक लगाएंगे रेगुलर लगेंगे। उसके बाद यहाँ से फिल कर देंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम पेन ग्लास। तो ग्लास लगाने के बाद कुछ इस तरह देखेगा। उसके बाद हम यूज करेंगे स्लेब इधर की ओर आके, तो हम स्लेब पे जल्दी से लगा लेते हैं, कुछ करना तो ही नहीं हमको जल्दी जल्दी, उसे जल्दी जल्दी भी कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम आज से भाई हर सब कोई सर्वाइवल सीरीज खेलते हैं, तो हम सोचे कि कुछ नया करते हैं, हम हाउस सीरीज खेलेंगे। तो हमारे वीडियो में बस आज से बस तीन कम से कम 10 हाउस सीरीज आएगा लगातार। तो एक दिन लग सकता है, चाहे दो दिन लग सकता है, भाई बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वीडियो को लाइक कर देना, तो पहले इस तरह से आप लोग बना लेना। अब ऊपर का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे हम, तो साइड से पहले देख लेते हैं अच्छे से। इधर को भी स्लेब लगा लेते हैं पहले, तो कुछ इस तरह स्लेब लगा लेना है।
उसके बाद यहाँ से आपको ऊपर चले जाना है स्टेयर बना के, सर्वाइवल में खेलोगे तो यहाँ पर हमको फोर ब्लॉक अप जाना है। फोर ब्लॉक अप, 1 2 3 4, उसके बाद इधर भी इसको मेंटेन करना है जल्दी से, तो इधर भी पूरा मेंटेन कर लेते हैं। तो फिर यहाँ से नीचे आके इधर का भी मेंटेन करना पड़ेगा अपने को, जो जल्दी से इसको बनाते हैं पहले। ऊपर की ओर 4 ब्लॉक अप हो गए, इसको भी ये 2 बचा है, इसको भी। उसके बाद आपको नीचे चले जाना है और यहाँ से 1 ब्लॉक छोड़ के 3 ब्लॉक रिमूव कर लेना है। और यहाँ पर फिर से पेन ग्लास लगाना है। पेन ग्लास लगाने के बाद यहाँ से बस 2 ब्लॉक छोड़ के ऊपर की ओर फिल कर देना है 3 ब्लॉक ऐसे। उसके बाद इधर देखना है, कुछ ऐसा दिखेगा। उस दिखने के बाद यहाँ से हमको 3 ब्लॉक करना है, 1 2, इधर 3, इधर भी सही 1 2 और 3। इसको भी पूरा टॉप तक ले जाना है, तो चलते हैं इसको टॉप तक लेके आते हैं जल्दी से। जितना ऊपर है ना उसी को मेंटेन करना है हमको, बस इतना ही ऊपर। तो 3 ब्लॉक इसको है, इसको भी पूरा ऊपर ले आते हैं और सामने वालों के ऊपर ले आते हैं पहले जल्दी से। तो ये हो चुका है, वो लेना पड़ेगा हमको, क्राउच करके जाना, नहीं इतनी गिर जाओगे। सर्वाइवल में खेलोगे तो थोड़ा दिक्कत जाएगा। मैं तो बस ऐसे ही क्रिएट में खेल रहा हूँ, मैं भी सर्वाइवल में बनाता हूँ। तो हम सर्वाइवल में बाद में बने, अपना हाउस बना चुके हैं तो इसलिए हम क्रिएटिव में बना रहे हैं। एक ब्लॉक सर्वाइवल में कलेक्ट करना थोड़ा हार्ड होता है, उससे बाद हमको नीचे जाना है यहाँ से। इतना करने के बाद यहाँ से हम नीचे जाने के बाद हमको ये करना पड़ेगा, यहाँ से स्लेब, स्लेब को फिर रिमूव करेंगे तो गलत लग गया था। उसके बाद नीचे भी हम लगाएंगे कोई, इसको ये वाला जो गलत लगाए इसको पहले रिमूव करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर हमको लगाना है पहले स्लेब, तो यहाँ पर स्लेब लगाएंगे कुछ इस तरह। उसके बाद ये 3 जो ब्लॉक कर रहे सेम साइज में इसको भी ले जाना है कुछ इस तरह, ध्यान से केयरफुली वॉच करना तो भाई बनेगा थोड़ा अच्छा। तो देखते रहो भाई लास्ट तक, तो नहीं भी देखना है तो भाई सब्सक्राइब ठोक कर जाना। तो यहाँ पर बीचों बीच में लगाना है 1 ब्लॉक, इसको पहले हटाते हैं ऐसे साला, उधर से उधर डेग रहा है। तो यहाँ पर हमको गलत ब्लॉक लगा चुके हैं, तो ये वाला ब्लॉक अच्छा नहीं दिख रहे थे। यहाँ पर हम स्ट्रिपेड लगाएंगे, स्ट्रिपेड ब्रिज ब्लॉक बोले थे वुड। तो यहाँ पर उसके बाद उसके ऊपर स्लेब, और इसको हमको 5 ब्लॉक हाई करना है यहाँ से, स्ट्रिपेड ब्रिज वुड 5। यहाँ पर हो चुका है 5 ब्लॉक, कभी करो 5 ब्लॉक, 5 ब्लॉक ये भी हो चुका है। यहाँ पर 5 ब्लॉक करना है, इसको पहले रिमूव करते हैं। अब यहाँ पर भी 5 ब्लॉक, सेम प्रोसेस कुछ इस तरह। 5 ब्लॉक कर लेते हैं पहले इसको, फिर आगे को प्रोसेस स्टार्ट करेंगे हम। उसके बाद हमको यहाँ के रिमूव करना है 2 ब्लॉक कुछ इस तरह। उसके बाद यहाँ पर हमको लगाना है पेन ग्लास, इधर भी हमको रिमूव करना है और लगा देना है पेन ग्लास कुछ इस तरह। अब यहाँ से हमको स्टार्ट होता है स्टेयर बनाने की प्रक्रिया, तो स्टेयर बनाएंगे हम कुछ इस तरह ताकि हम ऊपर भी चढ़ सकें। गलत हो चुका है, को यहाँ पर लगाना था, इसको हटाते हैं यहाँ से। यहाँ पर थोड़ा ये वाला दिक्कत, स्टेयर थोड़ा दिक्कत होता है गाइस बनाने में, तो देख के बनाना केयरफुली। आज करना यहाँ पर एक नीचे से लेब लगा लेना है ताकि आसानी आसान होगा। यहाँ पर नीचे से लेब, फिर इसको बाद यहाँ पर एक और स्लेब, फिर यहाँ पर एक और स्लेब, और इधर से आके फिर इसको रिमूव कर देना है नीचे वाला स्लेब को। तो हमारा स्टेयर बन चुका है, तो यहाँ पर 7 ब्लॉक कुछ इस तरह लगा लेना, इसको 3 ब्लॉक नहीं 5 ब्लॉक तक अप कर लेना है, जो जितना है उतना। जल्दी से पहले हम इसको अप करते हैं, तो ये हमारा अप हो चुका है, तो जल्दी से इधर भी कर लेते हैं। तो थोड़ा इजी है बनाना गाइस, बहुत ज़्यादा ये वाला हाउस। तो हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 भी लेंगे, तो गाइस सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, थोड़ा सपोर्ट हार्ड करो। तो यहाँ पर हमको फिर लगाना है स्लेब, तो कोई सा भी वाइट स्लेब ले लेना, नहीं तो फिर ब्रिक
स्टोन ब्रिक वाला स्लैब भी अच्छा होगा, उसको भी आप लगा सकते हो। तो पहले हम इसको फिल करते हैं, पहले जल्दी से फिल करने के बाद आपको दूसरा प्रोसेस बताऊंगा। पहले इसको जल्दी से करते हैं फिल। तय हो चुका है फिल, यहाँ से कुछ इस तरह। अरे भाई थोड़ा बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, मोबाइल में खेलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। उसके बाद कुछ इस तरह दिखेगा। तो ये साइड वाला जो ब्लॉक दिख रहा है इसको पहले स्लेब वाला इसको रिमूव कर देंगे, एक बेकार दिख रहा है। इसको 100 बस थोड़ा सा सहूलियत के लिए हम लगाए थे। तो इधर भी आने के बाद हमको ऊपर की ओर स्लेब लगाना पड़ेगा। वाइट कॉटेज वाला स्लेब है स्मूथ, तो इसको हटा देते हैं बस। इसके बाद हमको इधर भी लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ब्लॉक लगाना है आपको इस यहाँ पर। 8 ब्लॉक लगाने के बाद इसको 3 ब्लॉक अप करना है कुछ इस तरह दोनों साइड को। फिर यहाँ पर आपको लगाना है स्लेब। स्लेब लगा लेना है गाइस इधर की ओर, जिस तरह मैं लगा रहा हूँ उसी तरह आपको भी लगा लेना है। उसके बाद आपको ऊपर रहना है थोड़ा सा इधर, और यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। इधर एक स्लेब फिर से लगाना पड़ेगा हमको थोड़ा सा, यहाँ तक हमको स्लेब लगाना है और इसको हमको रिमूव कर देना है गाइस यहाँ से। तो यहाँ पर हमको एक और स्लेब का लेयर लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर स्ट्रिप हेड लगाएंगे, स्ट्रिप हेड ब्रिज वुड 3 ब्लॉक अप करना है कुछ इस तरह, सेम एज इट इज ऐसे कर लेना। उसके बाद हमारा कुछ काम आसान हो गया है। इधर भी हम देख लेंगे पहले क्या करना है। तो बस यहाँ पर हमको लगाना है स्मूथ कॉटेज ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक यूज कर सकते हो आप। तो यहाँ से हमको 6 ब्लॉक इसको हाई करना है, 2 हो गए, ये 3 ब्लॉक हाई, ये 4 ब्लॉक, 5 ये लास्ट ब्लॉक हमको लगाना है। तो यहाँ लास्ट ब्लॉक लगाते हैं गाइस। तो लास्ट ब्लॉक लगाने के बाद हमको यहाँ पर पूरा मेंटेन करना है कुछ इस तरह, स्ट्रिपेड ब्रिज वुड लगाना है कुछ इस तरह, पूरा 3 पूरा को यहाँ पर पैक कर देना है। पैक करने के बाद हमको अंदर जाना है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ से एक ब्लॉक रिमूव करना है, यहाँ पर पेन ग्लास लगा देना है। आप कोई सा भी कलर यूज कर सकते हो भाई, वाइट ब्लैक या एनी अदर, तो अच्छा दिखेगा सब में ही। तो यहाँ पर हमको फिर लगाना है स्लेब, वाइट कॉटेज स्मूथ स्लेब है वाला, ये भी अच्छा दिखता है। नहीं तो आप स्टोन ब्रिक वाला यूज करना, वो आसानी से मिल जाता है, जो कि हमको बनाना भी ईजी होगा। तो इसके ये वाला स्लेब बनाने के लिए आपको भाई कॉटेज की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमको मिलता है नेदर में, और नेदर में भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो नेदर में जब भी जाना गाइस गोल्ड का आर्मर या कुछ भी पहन के जाना, तो दिक्कत नहीं होगा। तो पहले इसको हम बनाते हैं फिर नेदर की बात करेंगे। तो कुछ इस तरह दिखेगा, मतलब ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और यहाँ पर ऊपर की ओर हमको और भी स्लेब लगाना है, तो थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। पहले इसको पहले लगाते हैं, बस इसको रिमूव करना है 2 स्लेब को यहाँ से। और यहाँ पर हमको यूज करना है स्टोन ब्रिक ब्लॉक, तो यहाँ पर हमको छूट गया है और स्टोन ब्रिक, उसको हम बाद में लगाएंगे। इधर देखते हैं पहले, तो ऊपर की ओर हमको लगाना है स्लेब, तो पहले स्लेब लगा लेते हैं उसके बाद हम करेंगे यूज। तो यार हमको गलत लग चुका है, तो पहले भाई हमको ऊपर में लगाना है थोड़ा, तब लाइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा नहीं तो बाद में। तो पहले जल्दी से इसको लगाते हैं स्लेब। तो गाइस स्लेब लगाने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा, तो इस तरह दिखेगा गाइस। तो अब बारी आएगी हमारे लाइटिंग की, और यहाँ पर हम डोर भी नहीं लगाए हैं, तो डोर लगा लेंगे। पहले देख लेना कुछ छूटा हो तो आप
लगा लेना, जैसे कि मेरे यहाँ पर छूट गया था। तो आप अंदर की ओर जाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे पहले डोर और फिर लाइटिंग करेंगे। लाइटिंग करना बहुत ईजी है, कोर में ही लगाना। तो यहाँ पर देखो कोर में, यहाँ पर लगाएंगे हम एक टोल लालटेन और यहाँ पर इस और यहाँ पर लालटेन, कुछ यहाँ पर लालटेन, दो लालटेन यहाँ पर और इसके बाद इधर भी लालटेन और वहाँ पर लालटेन और यहाँ पर लालटेन। बस और इसको यहाँ से रिमूव करके दो लालटेन लगाने हैं, तो कुछ अच्छा दिखेगा। आप अपने हिसाब से लगा लेना भाई, डेकोरेशन आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। तो कुछ इस तरह दिखेगा। तो फिर अब मैं आपको अंदर का व्यू भी दिखा देता हूँ। गेट खोल के पर इसको बंद कर लेना है, तो क्रीपर ऊपर आ जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। देखो भाई बहुत ज़्यादा स्पेस है, थोड़ा व्यू भी मस्त है। कुछ इस तरह देखो, यहाँ पर देख स्टेयर एक नंबर हमारा जमा है। तो देखो भाई क्या ही लग रहा है, अंदर भी एक नंबर है। तो कुछ यहाँ पर लालटेन लगा देते हैं एक तो। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो देखो बहुत मस्त दिख रहे हैं गाइस। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट हाउस सीरीज में। टेक केयर, बाय बाय।